हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप 2024 में केदारनाथ धाम यात्रा पे जाने के इच्छुक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यात्रा पे जाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको बता दें, लगभग 2 साल के इंतजार के बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ केदारनाथ धाम के दर्शन करने का। तो हमने यात्रा के दौरान सारी जानकारी कलेक्ट करके इस एक वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी है। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में कवर किए हैं। कैसे जाना है, कहां रुकना है, क्या सुविधाएं मिल पाएंगी, क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है यात्रा के दौरान, क्या सामान ले जाना ज़रूरी है एंड फाइनली लास्ट में क्या खर्चा आने वाला है। हमारा वादा है आपसे कि वीडियो एंड होने तक आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं कमल कौशिक और आप सभी देख रहे हैं द ऑलमोस्ट क्रिएटिव। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूं केदारनाथ यात्रा जहां से शुरू होती है उसका जो मुख्य द्वार है पद यात्रा का, वहां पर खड़ा हूं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको केदारनाथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बाकी इतने सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, इन सभी के साथ हम भी यहाँ से अपनी पदयात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलने वाली है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और अपने सभी दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ में शेयर करें, जिससे कि उनको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, हम यहाँ यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले बाबा केदारनाथ का नारा लगाएंगे और अपनी यात्रा की शुभारंभ करेंगे। बोलो हर हर महादेव। तो आइए दोस्तों, हम यात्रा की शुभारंभ करते हैं और आपको ऊपर जाके केदारनाथ बाबा के दर्शन भी कराते हैं। आइए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। जब कहीं से आपका बुलावा आता है तो आप अपने आप वहाँ खींचे चले जाते हो। कुछ ऐसा ही वाक्य हमारे साथ भी हुआ जब 2 साल के इंतजार के बाद फिर से हम केदारनाथ की यात्रा के लिए निकले। दिल्ली से केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 450 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं केदारनाथ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ पहुंचने के बहुत सारे साधन आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेन से सफर तय करना चाहते हो तो आप किसी भी जगह से ऋषिकेश तक के लिए ट्रेन बुक करा सकते हो। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक के लिए सीधा आपको शेयरिंग कैब और बस भी मिल जाएगी। अगर आप बस से सफर तय करना चाहते हो तो पर पर्सन का लगभग आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ग्रुप में हो तो आप शेयरिंग कैब बुक कर सकते हो। पर पर्सन का लगभग 700 से 800 रुपये का रेंट आपका लगने वाला है। बाकी अगर आप अपने व्हीकल से जाने का प्लान कर रहे हो तो आप आसानी से जा सकते हो। एंड आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा ऋषिकेश, देन उसके बाद आप सीधा डायरेक्टली सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हो। एंड सोनप्रयाग में काफ़ी बड़ा पार्किंग का स्पेस है जहां पर आप अपनी व्हीकल को आसानी से पार्क कर सकते हो। सोनप्रयाग में रहने के लिए आपको स्टे के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको देरी हो जाती है रात में, अगर आप सोनप्रयाग पहुंचते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यहीं पर होटल ले लें। यहां पर आपको काफ़ी बजट में होटल मिल जाएंगे। हमें यहां 4 लोगों के लिए 2000 रुपये में होटल मिल गया था। तो ये डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। सोनप्रयाग से गोरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। तो आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए इजिली कैब मिल जाएगी, जिसका पर पर्सन का किराया लगभग 50 रुपये का होता है। और यह कैब सर्विस सुबह 4 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही मिल पाएंगी। बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करा कराएं, क्योंकि सोनप्रयाग में ही आपके रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको यहाँ पर रोक दिया जाएगा। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रोसेस काफ़ी लंबा है, यहाँ आपको लगभग 5 से 6 घंटे लाइन में भी लगना पड़ सकता है। बाकी आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आएँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आपको वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा। जो आप सामने वेबसाइट देख रहे हो स्क्रीन पे, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आसानी से। अभी हम सोनप्रयाग से पहुंच चुके हैं गोरीकुंड, और जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अपनी यात्रा को अच्छे से प्लान करके आएँ, और ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। प्रशासन ने यहाँ पर फ्री में
मेडिकल सेवा का प्रबंध भी किया हुआ है, यहाँ पर नंबर भी मेंशन किए गए हैं, बाकी जो जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स पर मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। यात्रा के दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप इन जगह पर अपना चेकअप करा सकते हो, बाकी दिए हुए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ गौरीकुंड और यहाँ पर आप पीछे देख रहे हो गर्म कुंड जो है, गौरीकुंड के नाम से इसको बोलते हैं। यहाँ पर हम गर्म कुंड में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद हम जाएंगे गौरी माता का मंदिर ऊपर की तरफ है, फिर उसके बाद वहाँ दर्शन करने के बाद हम अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। गौरी कुंड में जो गर्म कुंड है उसमें स्नान करने के बाद हम आए हैं गौरी माता के मंदिर में। यहाँ पर हम गौरी माता से आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उसके आगे से फिर हम अपनी जो केदारनाथ की यात्रा है उसको शुभारंभ करेंगे। दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा करते हैं, बाबा के दर्शन करने के बाद उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। सूर्यदेव की पहली किरणों के साथ होती है हमारी यात्रा की शुरुआत। मन में खुशी और श्रद्धा भाव लिए हम सुबह 7 बजे अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। गौरीकुंड से यात्रा शुरू करने के दौरान ही आपको घोड़े, पालकी और पिट्ठू आसानी से मिल जाएंगे, तो आप यहां से आसानी ये सब चीज़ बुक कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप बुजुर्ग नहीं हो और आप फिजिकल फिट हो तो आप प्राथमिकता पर पदयात्रा को ही रखें। एंड इन सब का जो भाड़ा होने वाला है, किराया कितना आपको पे करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर जाके चेक करके आसानी से इन सब को बुक भी कर सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचते हैं चिरवासा, जहाँ पर हमें मिलता है भैरव बाबा का मंदिर। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, यहाँ पर आकर आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं और यहीं पास में आपको खाने पीने की शॉप मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर भी विश्राम कर सकते हैं। हम यात्रा के पहले पड़ाव पर आ चुके हैं, 3.5 किलोमीटर की हम यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम आए हैं जंगल चट्टी पर। तो यहाँ पर जंगल चट्टी में चिकित्सा केंद्र बना हुआ है, अगर आपको कोई भी मेडिकल या कोई फिजिकल दिक्कत है तो आप यहाँ पर इजली चेक करा सकते हो, फ्री कैंप है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर खाने की बहुत सारी शॉप्स हैं, लगभग 15-20 से ज़्यादा 20 शॉप हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप आके खाने पीने की व्यवस्था आपको इजली मिल जाएगी। और यात्रा करने के दौरान सबसे मेन चीज़ आपको क्या है, आपको साथ में पानी की बोतल रखनी चाहिए, क्योंकि एक एक से पानी पीते चलोगे तो आपकी यात्रा ईजी होती जाएगी। और बाकी हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे के नज़ारे दिखाते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जंगल चट्टी पहुंचने के दौरान आपको वहां पर रिफ्रेशमेंट के तौर पे फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड, स्प्राउट सैलेड और जूसेस वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। ये सब चीज़ आपको 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आसानी से मिल जाएगा और आप यहां पर आराम से विश्राम भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, सजेशन के तौर पे सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यात्रा के दौरान आप बीच बीच में रुक रुक कर और पानी वगैरह पीते हुए आगे बढ़ते रहें, जिससे कि आपकी यात्रा आसान रहे और आप अपनी यात्रा को आसानी से कर सकें। बीच बीच में काफी जगह आपको घोड़े वगैरह मिल जाएंगे, बट लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी यात्रा को पैदल ही करें। अभी हम केदारनाथ यात्रा के जो दूसरे पड़ाव पे आ चुके हैं, जिसको हम भीमबली कहते हैं। यह लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कितना प्यारा झरना आपको पीछे देखने को मिला, एंड इधर मैं आपको दिखाता हूँ मैं कितनी प्यारी सुंदर वादियाँ हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के जो सुंदर दृश्य आपको इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगे। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप पैदल यात्रा करते हो तो आपको जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसकी जो सुंदरता है वो आपको पूरे सफ़र पर देखने को मिलेंगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो पैदल यात्रा है आप उसको प्राथमिकता पर रखें।
अभी हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ यात्रा के तीसरे पड़ाव पर, जिसको हम रामवाड़ा के नाम से जानते हैं। और अभी हमारा सफ़र जो हो चुका है लगभग 10 किलोमीटर का, और आगे की 8 किलोमीटर की चढ़ाई अभी बाकी है। तो थोड़ा जो यहाँ से जो ट्रैक है वो थोड़ा टफ हो जाता है, जो चढ़ाई है यहाँ की काफ़ी टफ हो जाती है। तो आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ का जो सुंदर दृश्य है इस नदी को आप अच्छे से निहार सकते हैं, अपने फोटो कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठ के नज़ारा बहुत प्यारा है। एंड बताया जाता है कि जो 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई थी उसके लिए यहाँ से शॉर्ट रास्ता जाता था, जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था आपदा के दौरान। और ये नया मार्ग जो बनाया गया था दोबारा से, अभी फिलहाल यही तैयार है, और यहाँ से यात्रा जो आगे की थोड़ी सी टफ होने वाली है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देने वाले हैं। गोरेकुंड से आगे का सफ़र काफ़ी थकान भरा और काफ़ी टफ भी था, बट भोले बाबा के दर्शन करने की अभिलाषा और प्रकृति के सुंदर दृश्यों ने ये चीज़ महसूस ही नहीं होने दिया। सफ़र के दौरान आपको काफ़ी जगह कीचड़ भी मिलेगी, तो आप सावधानी पूर्वक आगे को बढ़े, घोड़े वगैरह से भी सावधानी रखें, क्योंकि रास्ता थोड़ा छोटा भी हो जाता है, कहीं कहीं पर फिसलने का रिस्क भी होता है। तो आप अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक करें। अभी हम रामबाड़ा से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर की तरफ आए, तो हमें थोड़ी सी भूख लगी, तो हमने यहाँ पे मैगी का ऑर्डर किया। मैगी तो खाने में टेस्टी ठीक है, बट लेकिन रामबाड़ा से पहले जो भी चीज़ खाओगे उनकी कॉस्ट यहाँ से कम है, और यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। नीचे मैगी आपको 50 की मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो मैगी 70 की है, एंड हो सकता है आगे जितना बढ़ोगे थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। अभी मैं पैदल यात्रा के चौथे पड़ाव छोटी लीली चोली आ चुका हूँ। रामबाड़ा के बाद में जो यहाँ का सफ़र है, जो यात्रा है, ट्रैक काफ़ी टफ हो चुका है, मतलब जो चढ़ाई है यहाँ की थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ी सी थकान रहेगी आपको। तो सबसे बड़ा सजेशन मैं आपको यही दूंगा, थोड़ा थोड़ा चल के रेस्ट लेते रहें और पानी पीते रहें, तो आपकी यात्रा इजी रहेगी। और साथ में कुछ ना कुछ पल्स या फिर जो आपकी संतरे वाली जो कैंडी होती हैं, अगर उनको आप लेके चूसते रहोगे तो आपका गला नहीं सूखेगा और आपको ड्राइनेस नहीं फील होगी। थोड़ा बहुत रेस्ट लेके चलते रहिए। बाकी यहाँ पर आगे आपको कुछ खाने के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, शॉप्स यहाँ पर काफ़ी सारी है, और अभी आगे का काफ़ी सफ़र बचा है, तो हम आगे सफ़र में बढ़ते हैं और आपको अगले पड़ाव पर लेके जाएंगे। यात्रा के लास्ट के 5-6 किलोमीटर में आपको काफ़ी सारे ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे, बट आप यहाँ पर ना रुकें। अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो यात्रा डिस्टर्ब होती है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, तो आप अपना खुद का भी सफ़र और दूसरों का भी सफ़र आसान बनाए रखें। बड़ी लिनचोली में आपको मेडिकल कैंप भी मिल जाएगा। अगर आपको यात्रा के दौरान कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो इस कैंप में जाकर आप अपना फ्री में भी चेकअप करा सकते हैं। हम पहुंचे यात्रा के 5वें पड़ाव बड़ी लिनचोली पर। तो जो हम अभी सफ़र तय करके आए, काफ़ी थकान भरा सफ़र है, क्योंकि ट्रैक जो है काफ़ी टफ हो चुका है, धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ती जा रही है। और ट्रैक में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जगह जगह रुकते चले, पानी पीते चले। सबसे मेन चीज़, अगर आप इस सफ़र पर आते हो तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या मेन चीज़ होनी चाहिए। एक तो आपके पास स्टिक होनी चाहिए ताकि आपको ट्रैकिंग करने में इजी रहे। कपूर साथ में लेकर चलें, क्योंकि अगर आपको सांस की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कपूर सूंघते हैं तो आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी अगर आपको थोड़ा सा कुछ और थकान ज़्यादा हो रही है तो कॉफ़ी का पाउच साथ में रखें, पानी के साथ अगर इसको पियोगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। और कैंडी वगैरह लेना ना भूलें, क्योंकि ये आपका गला सूखने नहीं देंगे। एंड बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको साथ में रखें। और मौसम यहाँ कभी भी चेंज होता रहता है, तो उसके लिए आप साथ में बरसाती भी जरूर रखें। बड़ी लिनचोली से थोड़ा ऊपर कैंपिंग की व्यवस्था भी की गई है। यात्रा के दौरान अगर आप लेट हो जाते हो या फिर मौसम बिगड़ जाता है तो आप इन कैंपिंग में भी रुक सकते हो, जिसका पर पर्सन का चार्ज लगभग 500 रुपये का है। यात्रा के दौरान आपको बीच में काफ़ी जगह घोड़े और पिट्ठू के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो लोग पदयात्रा करते वक्त बीच में थक जाते हैं वो लोग यहाँ से भी घोड़े और पिट्ठू करके जाते हैं, बट मैं आपको यही कहूँगा अगर आप बाबा के दर्शन करने जा रहे हो पूरे श्रद्धाभाव से जाना चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। कहीं कहीं बीच में सफ़र थोड़ा टफ हो जाता है, ऊपर से लैंडस्लाइड का खतरा, नीचे स्लिप होने का खतरा, और एक ही रास्ता होता है जिससे आना जाना होता है। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक आप अपने सफ़र को तय करें,
बाकी नज़ारे यहाँ के इतने प्यारे रहते हैं कि ये सारी थकान आपकी दूर कर देते हैं। सबसे बड़ी सावधानी आपको यहाँ पर रखनी पड़ती है घोड़े और पालकी वालों से। घोड़े पालकी वाले रास्ते को पूरा कवर करके चलते हैं, वो पैदल चलने वालों की वैल्यू नहीं रखते हैं, वो सबसे पहले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस बीच में आपको कहीं पर चोट भी लग सकती है या घोड़े वगैरह फिसल भी जाते हैं, तो आप घोड़ों से अपनी दूरी बराबर बनाए रखें। मंदिर का सफ़र 4.5 किलोमीटर का बचा था, थकान भी काफ़ी हो चुकी थी, बट उत्सुकता और जो एक्साइटमेंट थी वो कम नहीं हो रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे सफ़र कम हो रहा था उत्सुकता और एक्साइटमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और इस खुशी का अंदाज़ा लगाना संभव नहीं था, क्योंकि यह जो खुशी मिली थी यह दिल से मिली थी और काफ़ी मेहनत के बाद हम अपने पड़ाव पर पहुँचने वाले थे। दोस्तों बेस कैंप अभी 0.5 किलोमीटर बचा हुआ है, थकान काफ़ी हो गई है, बहुत ही जल्दी बाबा केदार के दर्शन कराने वाले हैं आपको। थकान हो गए लेकिन जो मन के अंदर जो उत्सुकता बनी है बाबा के दर्शन करने की वो अभी बरकरार है। शरीर से थक गए लेकिन मन से नहीं थके, आइए हम आगे सफ़र में आपको लेके चलते हैं। हर हर महादेव। बेस कैंप से 0.5 किलोमीटर पहले हमने ब्रेक लिया और यहाँ पर रुकना भी बहुत जरूरी था, बिकॉज आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। घोड़ों का जो सबसे लास्ट पड़ाव यही होता है, यहाँ से आगे की तरफ को लोग पैदल चलते हैं जो घोड़े से आते हैं, बट लेकिन यहाँ काफ़ी संख्या में घोड़े रहते हैं, तो आप अगर यहाँ से निकले तो सावधानीपूर्वक निकले, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी धक्का मुक्की होने लगती है। हम अपनी पद यात्रा के आखिरी पड़ाव बेस कैंप पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो केदार बाबा का जो मंदिर है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं ऊपर रोड से बाबा के दर्शन हो जाते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद जो पीछे का नज़ारा आप देख रहे हो कितना प्यारा है, और टेम्परेचर भी यहाँ पर काफ़ी डाउन हो चुका है, इसलिए हमने जैकेट वगैरह पहन लिया, कैप पहन लिया, तो पूरे पैक हो गए हैं। एंड यहीं पर आपको मैं दिखाता हूँ काफ़ी सारे कैंप बने हुए हैं, आप इन कैंप में स्टे कर सकते हो, शेयरिंग का ऑप्शन भी है और पर पर्सन का लगभग यहाँ 400 से 500 में मिल जाता है। बाकी आप ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हो, आगे GM VN के हैं, बट लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप ऑनलाइन ही बुक करके आओ तभी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप यहाँ पर डायरेक्टली ऑफलाइन आके अपने बजट के हिसाब से स्टे के ऑप्शन देख सकते हो। बट लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी थकान पूरी दूर हो गई है, बाबा के दर्शन दूर से हो चुके हैं केदारनाथ मंदिर के, तो जो मन में जो उत्सुकता थी वो अभी भी और ज़्यादा है, लेकिन शरीर की थकान बिल्कुल दूर हो चुकी है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपका मन खुद खुश हो जाएगा, और इसी बात पे हम एक बार बाबा का जयकारा लगाते हैं, बोलो हर हर महादेव, बोलो केदारनाथ महाराज की, और हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ, आपको मंदिर भी दिखाते हैं शाम। हम केदारनाथ के दर पर लगभग 7 बजे के करीब पहुंचे थे। 7 बजे के समय यहाँ पर संध्या आरती होती है, तो आप 7 बजे यहाँ पर पहुंचकर संध्या आरती में शामिल हो सकते हैं, एंड यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन भी कर सकते हैं और साथ में आप बाबा का आशीर्वाद भी ले सकते हो। तो हमारा सौभाग्य था जो हम 7 बजे यहाँ पर पहुँचे और हमें यहाँ की संध्या आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सोचो क्या सोच पाओगे, बैकग्राउंड में बहुत ही विशाल हिमालय, सामने बदलता हुआ मौसम, आंखें जितना देख सके उतनी दूर तक बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां, मुस्कुराते हुए नजारे। सुबह के बज चुके हैं 6 और अब समय हो गया है बाबा के दर्शन करने का, जिसका पिछले 2 साल से बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। हेली सेवाएं सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती हैं और शाम के 6 बजे तक चलती हैं, तो आप ऑनलाइन अपनी हेली सेवाएं आसानी से बुक कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप अपनी हेली सेवाएं ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का आप यूज़ ना करें, थर्ड पार्टी में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
मंदिर के मुख्य द्वार से 500 मीटर पहले टोकन का काउंटर बना हुआ है। जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं वो लोग अपना यहाँ से टोकन अवश्य लें। मंदिर से 50 मीटर पहले ही टोकन चेक होने लगता है तो हो सकता है आपको वहाँ पर थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आप लोग अपना टोकन यहीं से लेके जाएं। हम लोगों ने भी अपना टोकन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाने के बाद यहीं से बनवाया था। मंदिर से लगभग 300-400 मीटर पहले ही प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं, तो आप यहां से किसी भी दुकान से प्रसाद आराम से ले सकते हैं। बाकी मंदिर के पास में भी आपको प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। सुबह के 7 बजे हम लोग लाइन में लग गए थे, तो यहां पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में भीड़ थी। गलती हमारी ये हुई थी कि हम काफ़ी लेट लाइन में लगे थे। अगर हम सुबह 5 बजे लगे होते तो शायद हमारे 8-9 बजे तक दर्शन आराम से हो जाते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप जितना जल्दी सुबह लाइन में लगोगे उतने जल्दी आपके दर्शन हो पाएंगे। प्रतिदिन लगभग 30,000 से 40,000 श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। लाइन लगाने के लिए व्यवस्था पहले से काफ़ी अच्छी कर दी गई है। मंदिर के चारों तरफ से लाइन को घुमाकर बनाया गया है, जिससे कि ज़्यादा संख्या में भी लोग होने के बाद दर्शन करने में दिक्कत ना आए। और ऊपर काफ़ी अच्छे से शेड लगा दी गई है, अगर बारिश का मौसम हो या कैसा भी मौसम हो तो लोगों को दर्शन करने के लिए परेशानी ना हो, तो ये सुविधा काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। बीच बीच में बैठने के लिए भी लोगों के लिए सीट के अरेंजमेंट किए गए हैं। लगभग 4 घंटे का इंतजार करने के बाद हम लोग मंदिर के समीप पहुंच ही गए थे। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे इसलिए हमें इतना समय भी लग गया था, बट मंदिर को करीब से देख के जो अंदर से खुशी और जो एहसास था खुशी का, उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल था। हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केदारनाथ बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं भीमशिला पर। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ी शिला है मंदिर के पीछे। जब केदारनाथ की आपदा आई थी 2013 में तो यह शिला इसी पीछे पर्वत से फिसलती हुई बिल्कुल पीछे जो मंदिर बना हुआ है इसके यहाँ पर आकर रुक गई थी, जिसकी वजह से जो केदारनाथ का मंदिर था वो सुरक्षित रहा। आज भी लोग यहाँ पर आते हैं, इसकी बहुत मान्यता है क्योंकि जिसकी वजह से मंदिर सेफ हुआ तो यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना के ऊपर यहाँ पर सिक्के चढ़ाते हैं जिससे उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और आज भी यह पत्थर बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। भीमशिला के पीछे काफ़ी जगह पर कैंपिंग लगी हुई है, जो लोग अपने साथ में कैंपिंग लेके आते हैं वो लोग यहाँ पर कैंपिंग लगाकर स्टे भी करते हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप कैंपिंग ला के प्लान कर रहे हो यहाँ पर स्टे करने का तो एक बार यहाँ पर परमिशन भी ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। भीमशिला से ही थोड़ी पीछे की तरफ श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल बनाई गई है, तो आप यहाँ पर आकर इस चीज़ को भी ज़रूर देखें, यह जगह बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। अभी मैं भीमशिला से थोड़ा सा पीछे की तरफ आया हूँ जहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है। कहते हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य जी ने समाधि ली थी और उसी के बाद में यहाँ पर इस जगह को डेवलप करके शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई है, तो यहाँ पर आते हैं लोग दर्शन करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी रैम पर जगह जगह सारे मंत्र वगैरह लिखे गए हैं, जिन सभी मंत्र का काफ़ी कुछ अर्थ है वो आपको पढ़ के आप चेक कर सकते हो, बट लेकिन यहाँ पर सारे जैसे लिखे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंद्र हारम, तो यहाँ पर बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं, तो ये चीज़ सबसे अच्छी लगी हुई है। और यहाँ पर आकर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस होगी और बहुत सुकून मिलेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत से लोग नीचे से वापस चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर आए और इस चीज़ को कैप्चर करें।
अभी मैं खड़ा हूँ केदारनाथ बाबा के मंदिर के बाहर। आपको यहाँ का नज़ारा बड़े अच्छे से दिखा चुका हूँ एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। बाबा के बड़े प्यार से दर्शन करके आया हूँ और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई। जितना समय लगा आने में और जितनी मेहनत करी उसका फल मिला और बाबा के बहुत प्यार से दर्शन हुए। और क्या ही कहना चाहूँ मैं बाबा के दर्शन होने के बारे में, मतलब मन से कह नहीं सकता कि मैं कितना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हर हर महादेव। मंदिर में दर्शन करने के बाद मुझे बाहर मंदिर के सामने एक ग्रुप मिला जो कि उज्जैन से आया हुआ था। उनके ढोल नगाड़े सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उनके साथ अच्छे से डांस भी किया। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं केदारनाथ यात्रा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे चुका हूं एंड आई होप आपके मन में जो भी डाउट्स आए होंगे वो सारे इस वीडियो से दूर हो गए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जाके हर हर महादेव लिखे, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या फिर कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट में भी जाके लिख सकते हो। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके। और दोस्तों इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। हर हर महादेव।